हेलो एंड नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ ऑगस्ट इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए इस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट कॉपियों के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज यूनिवर्स प्लीज़ बताइए करियर हेल्थ वेल्थ मेरेज के लिए क्या जनरल मैसेज हैं फॉस्ट कापियो करियर के लिए क्या मैसेज हैं मैरिज के लिए क्या मैसेज हैं मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉस्ट कापियो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए करियर हेल्थ वेल्थ मैरेज मनी ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट ओके, ओके, वन सेकेंड पेशेंस हम्म देखिए स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज फार एज योर करियर इज कंसर्न चैलेंजेस आ सकते हैं सेवन ऑफ वन है मे बी कोई कोर्ट केस से डील कर सकते हैं आप ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी थर्टी फर्स्ट के बीच में या फिर कोई ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ सकता है या साइन करना पड़ रहा है या मे बी आपने किसी को दिया है साइन करने के लिए बट वो साइन नहीं कर रहे हैं वन सेकेंड आपने किसी को दिया है साइन करने के लिए बट वो साइन नहीं कर रहे हैं कुछ लीगल इशू हो सकता है अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है चीजें बहुत आसान है चीजें बहुत ईजी हैं बट चैलेंजेस बीच में आ जाएंगे लीगल या किसी uh, से कुछ लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड एंड वो आपको डील करने पड़ सकते हैं um, चीजें स्मूथ नहीं होने वाली है बेसिकली आपके करियर से रिलेटेड चीजें स्मूथ नहीं होने वाली है मे बी एग्रीमेंट में लिखा था कि आपको इतना पैकेज या इतना पेमेंट मिलेगा एंड वो आपको नहीं मिल रहा है उसमें कुछ डिडक्शन हुआ है जो कि आपको पता नहीं था समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट या मे बी आपका जो क्लाइंट है उससे आपकी बहस हो जाए लड़ाई हो जाए एंड उसके बाद पेमेंट रोक लिया जाए पेमेंट मे बी ना भी रोके बट कुछ तो तू मैं हो सकती है कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं अननेसेसरी की कॉम्प्लिकेशन चीजें जो नॉर्मली आपकी लाइफ में थोड़ा स्मूथ तरीके से होती हैं वो थोड़ा स्मूथ तरीके से नहीं होंगी चैलेंजेस आ सकते हैं अब देखिए एज फार एज मनी इज कंसर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको पैसे मिलने चाहिए थे जो आपके हक के पैसे थे या जो आप डिजर्व करते थे या जो कहते हैं ना कि आपके अंदर पोटेंशियल था इतना पैसे कमाने का एंड बहुत सालों से आप काम कर रहे हो और आपको वो उस तरीके का पैसा आप अर्न नहीं कर पा रहे हो वो रिवॉर्ड वो रेकग्नेशन नहीं मिल रहा है फाइनली जो आपके अंदर पोटेंशियल था पोटेंशियल के इकोवलेंट आपको रिवॉर्ड रिकग्नेशन मनी पेमेंट सारी चीजें मिल रही हैं सेवन ऑफ कॉइन्स तो आई थिंक जिस चीज का जि, पेमेंट का एक्चुअली पैसे से रिलेटेड जो आपने बहुत टाइम से वेट करा था कि मैं इस स्टेज पे कब पहुंचूंगा ये पेमेंट मुझे कब मिलेगी म, मैं ये इतना मेरा काम जो है वो अच्छा है और मैं ये पेमेंट ये पैकेज ये पैसा डिजर्व करता हूं तो ये मुझे कब मिलेगी वो आपको ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट के बीच में मिल रही है इवन दो काम से रिलेटेड आपके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हैं चैलेंजेस हैं इजी नहीं है बहुत मेहनत है बहुत मेहनत करने के बाद भी मे बी वो मेहनत रेकग्नाइज ना लाइक उसको रेकग्नेशन ना मिले बट पैसे मिल रहे हैं पैसे भी ध्यान देते हैं हम अभी ठीक है एज फार एज मैरिज इज कंसर्न आई फील आप और आपके पार्टनर ना बहुत हैप्पी है लाइक आई हैव दो वर्ल्ड एंड दो एम्प्रेस ठीक है तो दोनों बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं फॉर सम इज मैरिड लाइक मैरिज की रीडिंग के लिए बहुत ही प्यारे कार्ड देखिए वर्ल्ड एंड एम्प्रोनो टोरस वर्गो है, किसी का या मून साइन हो सकता है या फिर बर्थ चार्ट में और कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है बट आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ठीक है एंड ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप में नहीं है तो उसमें उसमें नहीं तो आप में है, वो जो बुकिश चीजें होती हैं बुकिश रोमांस नहीं इज लाइक अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल रोमांस लाइक अ प्रैक्टिकल मैरिज एंड ऑल्सो मुझे चीज दिख रही है अगर आप में से कई लोग बेबी चाहते हैं तो फर्टिलिटी है फैमिली उस तरीके से आगे एक्सपैंड हो रही है पूरी हो रही है फर्टिलिटी दिख रही है एंड अगर आप बेबी नहीं चाहते हैं थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है बट मुझे आप दोनों के बीच में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अब <coughs> अबंडेंस दिख रही है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों अपने अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं लाइक यू आर इन मैरिज बट देन बोथ ऑफ यू आर लाइक वेरी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं लूज करी है आप दोनों ने आप दोनों की इंडिविजुअलिटी वहीं पे है एंड यू गाइज आर ट्राइंग टू अकम्पलिश योर गोल्स योर इंडिविजुअल गोल्स वाइल्ड बींग टूगेदर इन अ मैरिज जो कि लोग नहीं कर पाते हैं कई बार कोई अपना गिव अप कर देता है कोई अपना गिव अप कर देता है कभी कुछ हो जाता है दूसरे के लिए एडजस्ट कर लिया ये हो गया वो हो गया आप दोनों के गोल्स बहुत सेट है और आप वो अचीव कर रहे हो एक मैरिज में होने के बावजूद एंड आप दोनों बहुत ही कंप्लीट फील करते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही फुलफिल फील करते हैं एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन दिख रही है या तो कुछ कोई एनिवर्सरी आ रही है ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट के बीच में और देर इज समथिंग एल्स दैट इज कमिंग अप बट यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप बोथ ऑफ यू बींग टूगेदर तो वो सेलिब्रेशन दिख रही है नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है रिश्ते को पनपने देना रिश्ते को ग्रो करवाना वो मुझे एनर्जी दिख रही है विच इज वेरी गुड देखिए हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है एज सच हेल्थ कुछ खराब नहीं होने वाली है मे बी लाइक थोड़ा सा वीकनेस फील हो बट वो वीकनेस ऐसा नहीं कि वो लाइक like, हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा बट um, ऐसी वीकनेस जरा सा चक्कर आए बैठ जाए ठीक हो जाए या फिर हल्का सा कुछ आग से आग में उंगली आ जाए जल जाए बट ठीक हो जाए आप थोड़ा सा दवाई लगाओ ठीक हो जाए कहीं पे कुछ आप मे बी कहीं पे कुछ ठोक रहे हो दीवार में एंड वो कील में कहीं पे हाथ आ जाए बहुत माइनर सी चीजें होंगी मेजर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मैरिज हेल्थ मनी करियर ओके एक्स्ट्रा जो मैसेजेस हैं वो है हमारे पास हायरोफान फाइव ऑफ स्वर्ड अब देखिए हायरोफान जो हमको बता रहा है वो है आप ना थोड़ा सा ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट के बीच में यू आर ट्राइंग टू वर्क और यू आर ट्राइंग टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी जो भी सोसाइटी ने रूल्स एंड रेगुलेशन सामने रखे हैं नॉर्म सामने रखे हैं कल्चर ट्रेडिशन हो गया कुछ भी हो गया जो एक सेट चीजें हैं ना आप उनके हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट के बीच में इवन दो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है कि आ, किसी नॉर्म्स के साथ आ, कहते हैं ना एग्री करना या कंफर्म करना तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है बट कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको सोसाइटी ने जो लॉज सेट करे हैं जो रूल सेट करे हैं जो ट्रेडिशंस कल्चर रीति रिवाज आ, कुछ भी बोल लीजिए आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा सोसाइटी के अप्रूवल के बिना आप फंक्शन नहीं कर पाओगे अम्म कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे मे बी आपके देखिए पार्टनर के बीच में तो बहुत ही सही है सब कुछ मे बी आपके काम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये फाइव ऑफ स्वर्ड जो चैलेंजेस आप गो थ्रू कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप और आपके पार्टनर और मे बी द क्लाइंट बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज दे वॉन्ट समथिंग एल्स एंड यू वॉन्ट समथिंग एल्स एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कन्विंस दैम कि ब्रो ये अच्छा नहीं होगा लाइक दिस इज नॉट द राइट डिसीजन एंड दिस विल चीटिंग या बिट्रेल भी आपको मिल सकता है मे बी दूसरा इंसान बोले अच्छा ठीक है ब्रो देखो तुझे जो करना है तुम करो लाइक like, तुमको जो करना है तुम करो डिसीजन लो एंड वो आपके अगेंस्ट जाकर किसी और को कुछ बोल दे ऐसा कुछ लग रहा है मुझे अब हम देखेंगे टीली फॉर्च्यून डेक्स हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो बट गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं कोई पीसीओरी थायरॉयड माइग्रेन साइनस इनडाइजेशन या गट इश्यूज एक्ने हेयर फॉल या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो कि फिजिकल से बहुत ज्यादा होती है आई फील जैसे कि <laughs> फियर ऑफ अबैंडमेंट हो गया फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया कितनी है कितनी चाइल्डहुड ट्रामाज हो गए क्लैरिटी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ सेल्फ लव बहुत सारी चीजें अनगिनत एन नंबर ऑफ थिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिलेटेड टू यक्रास अब चक्रा को हील करने के लिए क्या करना है चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग करनी है ये हीलिंग जो टेक्निक होती है डिस्टेंस हीलिंग भी हो सकती है आपके रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर रेकी सेशंस के थ्रू कर सकते हैं कोई भी चीज आप चूज कर सकते हैं इफ यू फील कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव और आपको अफेक्ट बहुत जल्दी करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आपके भी तो नेगेटिव आपकी जो एनर्जी है जो और वो वीक है राइट तो ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है आपको आपका और स्कैन कर सकते हैं हम देखने के लिए कि और में पे प्रॉब्लम आ रही है कौन सा कलर दिख रहा है एंड कौन सा चक्रा अफेक्टेड है तो उस चक्रा पे बाद में वर्क कर सकते हैं आ, कौन सा जो लेट्स अगर कॉट कटिंग हम कर रहे हैं कॉट कटिंग किस लिए होती है टू गेट फ्रीड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अब नेगेटिव एनर्जीज है या नहीं कैसे पता लगेगा तबियत खराब होना ढीला पड़ जाना लिथार्जिक फील करना मूड स्विंग्स होना चिड़चिड़ -चिड़ होना ठीक है नेगेटिव सोचना तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी दे सकती हूँ आपको बट अगेन गाइज ये सारी हीलिंग प्रैक्टिस होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पॉजिटिव टू बी टू बिलीव इन दीज हीलिंग प्रैक्टिस टू बी पेशेंट एंड टू नॉट बी डेस्परेट अगर आप ये चार चीजें कर सकते हैं देन आई वुड सजेस्ट प्लीज गो अहेड विद द हीलिंग प्रैक्टिस बट अगर आप ये चार चीजें नहीं कर सकते हैं देन हीलिंग प्रैक्टिस आर नॉट फॉर यू बिकॉज होगा क्या आप अपना टाइम मनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे एंड आपको चाहिए होगा क्विक रिजल्ट वो आपको हीलिंग प्रैक्टिस में मिलेगा नहीं हीलिंग टेक्निक से मिलेगा नहीं तो आपको लगेगा कि अरे मेरा टाइम और मेरा पैसा वेस्ट हो गया और फिर वो नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव टॉक्स होने लगती हैं फिर आप हीलर को कुछ बोलते हो हीलर आपको कुछ बोलता है मुझे वो सब नहीं चाहिए तो आप को अगर अगर क्विक रिजल्ट चाहिए देखिए बहुत सिंपल सी चीज है आपको माइग्रेन है एक क्लाइंट थे मेरे जो कि क्लाइंट बहुत लेटर ऑन बने पहले उनको बहुत टाइम लगा ये चीज समझने में वो क्लाइंट थे उनको माइग्रेन था पच्चीस साल से अब पच्चीस साल से माइग्रेन था जब मैंने उनको समझाया कि भाई इसमें टाइम लगेगा ये चीज हील होने में मुझे आपको आपको मुझे कम से कम दो तीन महीने देने पड़ेंगे मिनिमम दो तीन महीने देने पड़ेंगे सो दे डिड नॉट रिवर्ट क्योंकि दो तीन महीने बहुत ज्यादा लगता है सुनने में पच्चीस साल का माइग्रेन आप क्या चाहते हो मैं दो हफ्ते में ठीक कर दू कैसे ठीक करूं कैसे ठीक कर सकती जादूगर तो हूं नहीं ओ माइग्रेन ठीक हो गया हो गया ऐसे तो होता नहीं है राइट right? तो थोड़ा सा उसमें आपको टाइम देना पड़ता है राइट right? एंड उसके बाद जब उन्होंने Uh, वापस हमारी कॉन्वर्सेशन हुई मैंने एक्सप्लेन करा उन्होंने कहा कर, ठीक है लेट uh, स्टार्ट देखते हैं एक महीना करके देखते हैं क्या कितना फर्क पड़ता है उनको फर्क हल्का हल्का महसूस होना स्टार्ट हुआ एंड देन उन्होंने आगे मुझसे कंटिन्यू करवाया तो आपको बिलीव रखना पड़ता है हीलिंग प्रैक्टिसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज काम नहीं करेगा ब्रो ओके okay, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी स्कॉर्पियो के लिए मैसेजेस टू यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं स्कॉर्पियो के लिए ट्वेंटी फर्स्ट क्राउन ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो uh, आप जो भी चैलेंजेस से थ्रू कर रहे हैं अपने काम में वो गो थ्रू कर लेंगे बट उससे जब आप बाहर निकलेंगे वो चैलेंजेस को फेस करके लाइक जब वो ओवरकम करके आप बाहर निकलेंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपको ऑनर मिलेगा बिकॉज लोग आपको देख रहे होंगे कि आप इन चीजों से कैसे डील कर रहे हैं एंड कैसे हैंडल कर रहे हैं एंड वो आपको दूर से देख कर आपको रिस्पेक्ट ऑलरेडी रिस्पेक्ट करना उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सो so आप जब इन चैलेंजेस से बाहर निकलोगे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलोगे ऑनर एंड रिस्पेक्ट आपको मिलेगी ठीक है विल कम टू यू रैम अस्टबर्न अग्रेसिव पर्सन कोई इंसान है जो कि बहुत जिद्दी है बहुत अग्रेसिव है ये आपके संग तू तू मैं कर सकता है आपके संग झगड़ सकता है ये थकता नहीं है झगड़ते हुए इनकी एनर्जी नहीं डिप्लीट होती है झगड़ने से या बहस करने से बट आपकी होती है डेफिनेटली होती है तो यू हैव टू पिक योर बैटल्स अगर आपको लगता है कि ये इंसान से बहस करने आ, में कोई मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है मुझे इस चीज में नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए किसने बोला है हर किसी के साथ बहस करने के लिए अपना पिक योर बैटल्स जरूरी नहीं है हर चीज में घुस जाए और हर चीज में आप यू you नो know, लाइक वापस तू तू, -तू मैं करना स्टार्ट करें जहां पे चीज बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है दूसरा बोल रहा है सुन रहा नहीं है स्टबन है क्या पॉइंट है उसको समझाने का अपनी एनर्जी प्लीज मत वेस्ट करिए ठीक है तो वो मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है यहाँ पे

इवन दो यू डोंट नो हाउ टू लाइक गो गो अबाउट इट बट आप रिस्क ले रहे हैं चांस ले रहे हैं हाँ कैसा होगा ये चांस सम हाउ आई फील ये चांस जो आप ले रहे हैं ये अच्छा होगा लाइक इसका रिजल्ट अच्छा होगा ऐसा नहीं होगा कि आ, आपको कुछ ऐसी यू नो लाइक कई, कई बार लर्निंग एक्सपीरियंसिस ऐसे मिलते हैं कि इंसान बोलता है कि ये चीज में दोबारा नहीं करूंगा मुझे बहुत गंदी सीख मिली थी और मैं दोबारा नहीं करूंगा तो वो मुझे इसमें एनर्जी नहीं आ रही है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि बहुत ही बुरी कोई चीज हो जाएगी आपके साथ कि आप कभी रिस्क नहीं लोगे लाइफ में नहीं आई थिंक रिटर्न मिलेगा आपका आपका इस रिस्क लेने पे या चांस लेने पे शॉर्ट जर्नी हॉर्स ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट में कहीं पे शॉर्ट वेकेशन वीकेंड ट्रिप और मे बी लाइक इफ इफ नॉट अ फिजिकल जर्नी मे बी लाइक अ मेंटल जर्नी कुछ शॉर्ट जर्नी कवर कर रहे हैं कुछ लेट से वीकेंड कोर्स फ्राइडे स्टार्ट करा मंडे खत्म शॉर्ट जर्नी एक कुछ स्किल सीखने की कुछ जर्नी या कुछ ऐसी छोटी सी चीज जो कि स्टार्ट करी करिए खत्म हो गई और उससे आप कुछ सीखे भी तो वो चीज भी हो सकती है ट्वेंटी फर्स्ट टू थर्टी फर्स्ट के बीच में स्कॉर्पियो बट यस मोर येस लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आई यू नो द ट्रिल लाइक करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा तारों को और पार्ट बनिए मेरे प्यारे से फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय